बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी। तो चलिए रेसिपी की तरफ। जी तो यहाँ पे बर्तन लिए हैं और देसी घी 2 चम्मच, अगर देसी घी नहीं है तो ऑयल भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैं बना रही हूँ यखनी। जी तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 8 से 9 अदद लहसुन के जबे और अदरक। एक अदद बादियान फूल खुशबू के लिए, ये बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग। अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से इसको ऐड करेंगे चिकन। जी तो ये पाइप पीस ली है मैंने, थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत ऐड करेंगे, 1 टीस्पून साबुत जीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून एक प्याज ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, तो अब ऐड करेंगे 1.5 लीटर पानी। ताकि अच्छे से हमारा यखनी बन जाए। अच्छा, तो इसको प्रेशर कुकर में नहीं बनाना, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा खूबसूरत कलर भी नहीं आती और उतना मज़ेदार टेस्ट भी नहीं आती, तो इसको हम इसी में बनाएंगे। जब ढक्कन रखेंगे, जी तो ढक्कन रखेंगे और कम आंच पे इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। जी तो देखते हैं कि यखनी हमारे तैयार हो गई है। देखिए माशाल्लाह, बोटियों को हम निकाल लेंगे। देखिए जी, अब शुरुआत को हम छान लेंगे। खूबसूरत सी यखनी देखिए माशाल्लाह। जी तो कैसी लगी रेसिपी? अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। और इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।